केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में आरपीएफ में तैनात जवानों के उत्कृष्ट सेवा और अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए नामों की घोषणा कर दी है। देश भर में 334 को उत्कृष्ट सेवा और 125 जवानों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा जाएगा, जिसमें दक्षिण पूर्व रेलवे के 15 आरपीएफ कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक और 2 आरपीएफ कर्मियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए नवाजा जाएगा। उसी क्रम में चक्रधरपुर डिवीजन के आदित्यपुर के आरपीएफ में के एएसआई ज्ञानेंद्र कुमार जैना का नाम भी उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए चयन किया गया है। इसके अलावे आदित्यपुर के ही हेड कांस्टेबल संदीप ताहा का नाम भी इसमें शामिल है। आदित्यपुर के आरपीएफ में तैनात एएसआई ज्ञानेंद्र कुमार जैना को इससे पहले भी उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए चक्रधरपुर के डीआरएम के हाथों सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने आदित्यपुर में रहते 2 महिला सहित 3 लोगों को आत्महत्या करने से बचाया है। वहीं इस पदक के नाम आने से वह काफ़ी खुश हैं। इसके लिए वे अपने वरीय पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया है। अच्छा सेवा के लिए और रेल संपत्ति का रक्षा तथा रेलवे अपराधी को पकड़ने में तथा उनको सजा दिलाने में अच्छा काम करने के लिए तथा कुछ छोटे बच्चे लोग का रेस्क्यू किया है और कुछ आदमी सुसाइड करने के लिए आ रहा था उसका जान बचा करके उनका घर वाले को अच्छा से हस्तांतरण किया है। इसीलिए हमको रेल तरफ से मेरा नाम चयन किया गया है कि हमको उत्कृष्ट सेवा पदक। कब आया आपके लिए लेटर, क्या आया लेटर, मिला आपको, कैसा लग रहा, फील हो रहा है आपको कैसा, और अब फिर आप क्या अगली योजना है कि ऐसा काम ऐसे ही करते रहेंगे? हमारा नाम सिलेक्ट होने पर हमको अच्छा गर्व महसूस होता है तथा रेल में योगदान तथा और अच्छा काम करने के लिए मेरे को और उत्साह मिलता है, जिसमें हम रेल का और अच्छा काम करें और रेल संपत्ति का रक्षा करें और पैसेंजर का अच्छा सेवा दे सके, जिसमें पैसेंजर को गाड़ी में जाने आने में कोई दिक्कत न हो तथा रेल संपत्ति का रक्षा हो। यही मेरा उद्देश्य रहेगा, यही मेरा लक्ष्य रहेगा।